लिया तो पीछे रह जाऊंगा। पूरी दुनिया में उन घटनाओं को याद करो जब जब लोगों ने अपने मौके लिए और उठा के उनके ऊपर रिस्पोंड कर लिया। अगर आप भी रिस्पोंड करोगे और निर्णय लोगे तो आपकी एक गजब की क्षमता डेवलप होगी डिसीजन लेने की। भारत में 70 साल से कितने अटैक हुए हैं कि नहीं हुए? संसद के ऊपर हमला हुआ और भारत ने यूएन को चिट्ठी लिखी, हमारे ऊपर हमला कर दी, कुछ तो करो साल। हार्ट पे हमला हुआ था, हार्ट पे, और हम चिट्ठी लिखने गए थे यूएन को, हमारे ऊपर हमला हो गया, कुछ करो ना तुम। अब की बार उसने ही बताया है। और ओए सुनो रे, भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अरे सुनो भाई, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, बापू ने बताया। आपके बाद विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के आदमी को न्यूज पे आके अनाउंस करना पड़ा है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। कोई बड़ा जब ये बात बोलता है ना, तो उसके लिए बड़ा कितना बड़ा होता है ये बड़े को ही पता होता है। अपन क्या समझेंगे ये बात, उसके लिए बड़ा कितना है। अपने पास 2-3 हजार किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार वाले फाइटर प्लेन है, उस ट्रंप के पास 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले फाइटर प्लेन है, धोनी की गति से तेज वाले। वो कह रहा है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। 19 सेकंड रहे उनकी धरती पे और ये बड़ा करके आ गए, और इतना सा वार कल वापस उड़ा दिया। मैं किसी घटना से आपको कोई मैसेज देना चाह रहा हूं। जब जब दुनिया में निर्णय लेने की शक्ति जिसमें होगी, पूरा विश्व उसे पसंद करेगा। निर्णय लेने की ताकत ही तो नहीं थी, आज देश में निर्णय लेने की ताकत बन रही है। ये देश आगे कितनी सरकारें आएंगी कितनी जाएंगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, भारत में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर डेवलप हो गई। सौरव गांगुली से पहले का क्रिकेट अलग था, सौरव गांगुली के बाद का क्रिकेट अलग हो गया। पहले डिसीजन नहीं लेता था कैप्टन, सौरव गांगुली से पहले भारत का कैप्टन बॉलिंग करने आ जाए फटती थी, बॉलिंग नहीं करूंगा मेरे छक्के लग गए तो। और दुनिया में जब से सौरव गांगुली ने आया, क्रिकेट बदल गया, डिसीजन ले लिया, और कितना जुनून और आक्रोश आ गया। लंदन में टी शर्ट खोल के लहरा दिया, और उसके बाद की आप डिसीजन देख लो, चाहे विराट कोहली का देख लो, चाहे आप धोनी के देख लो, और आगे के डिसीजन देखते जाना। आपकी जिंदगी में आने वाली पीढ़ियां तब भाग्यशाली बनेगी जब बाप डिसीजन लेगा। अगर बाप ढीला रह गया, बच्चे कभी डिसीजन नहीं लेंगे। आज डिसीजन लेने की टाइम